हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुरेश भाटी आप सभी का हमारे टॉपर्स टॉक शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि टॉपर्स टॉक शो जाना जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कि अपनी बोर्ड की परीक्षाओं के अंदर शानदार अंक प्राप्त किए हैं। इसी सीरीज़ में आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक होनहार स्टूडेंट से, हर्षिता दवे जिनका नाम है। हर्षिता, कैसी हैं आप? सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हर्षिता, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जिसमें आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और आपकी स्कूल कौन सी थी, इन सब के बारे में बताना है। नमस्ते, मैं हर्षिता दवे। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान राजेश कुमार जी दवे है। मैं राजस्थान राज्य के पाली जिले के खैरवा गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरी पढ़ाई महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल खैरवा से हुई। वेरी गुड। तो हर्षिता, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल खैरवा पाली से आपने अपनी पढ़ाई की है। गवर्नमेंट स्कूल में जनरली देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर भी आपने जो अंक प्राप्त किए हैं काबिले तारीफ हैं। आपकी मार्कशीट मेरे पास में है। आपके जो अंक है वो अंक मैं स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि आपने कितने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। हर्षिता ने हिंदी के अंदर ये हैं, इंग्लिश में 95 है, पॉलिटिकल साइंस में 100 आउट ऑफ 100 है। ठीक इसी तरह से आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर जो मार्क्स हासिल किए हैं, हिस्ट्री में है 92 और ज्योग्राफी में है 99। तो ये जो आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो बहुत काबिले तारीफ हैं। आप ये बताएं कि ये जो आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं इसमें आपके पेरेंट्स का रोल क्या रहा है? पेरेंट्स का रोल तो बहुत ज्यादा रहा है। उनके सहयोग के बिना और उनकी मेहनत के बिना शायद ये संभव नहीं हो पाता। सबसे ज्यादा तो मेरी माता जी का, क्योंकि जब मैं उठती सुबह वो पढ़ने के लिए तो मेरे से भी जल्दी वो उठा करती थी। साथ में वो एक अध्यापिका भी है तो उन्हें वो भी काम रहता था और घर का भी काम वो करती थी। तो वास्तव में उनका सहयोग तो सबसे ज्यादा रहा है और उनसे ही मैं प्रेरित हूँ। साथ ही साथ पिताजी का सहयोग भी सबसे ज्यादा रहा है, इसलिए उनका सहयोग तो है सर। उनके सहयोग के बिना शायद ये संभव नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कहा जाता है कि एक स्टूडेंट की सफलता में सबसे पहले घर का और उसके बाद स्कूल का या फिर उनको पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं उनका रोल होता है, क्योंकि शुरुआत जो होती है वो उनके घर से ही होती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर्षिता को उनकी माता जी ने बहुत सपोर्ट किया है, पिताजी ने बहुत सपोर्ट किया है, फिर माता जी अध्यापिका है तो उन्होंने समय समय पर इनको मार्गदर्शन भी दिया है, गाइडलाइन मिली है उनसे, और यही कारण है कि आज इन्होंने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो हर्षिता, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने ये टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से किया, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए टाइम को मैनेज करना इतने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। सर, सबसे पहले तो जब हमारी स्कूल स्टार्ट हुई थी तो हमारे प्रिंसिपल सर और साथ ही साथ सभी टीचर्स हमारे बहुत अच्छे और बहुत सपोर्टिव नेचर के भी है। तो उन्होंने सबसे पहले 1 जुलाई से ही हमें कह दिया था कि बच्चों अभी से अपना जो टाइम है उसे मैनेज करना स्टार्ट कर लो। और सर, मैं खुद भी उत्कर्ष का कई बार सर जो है टॉपर स्टॉक शो जो देखा करती थी उसमें भी सबसे ज्यादा जो महत्व होता था वो समय का ही होता था कि घड़ी तो मतलब इतने मूल्य है लेकिन वक्त बहुत महंगा है। इसलिए सर मैंने यही किया कि पहले 1-2 दिन में देखती थी कि मेरा टाइम कौन से काम में लग रहा है, उसके बाद में उसके अनुसार अपना टाइम टेबल बनाती थी। उस टाइम से क्या होता था कि कहीं पे भी मेरा टाइम अगर वेस्ट हो रहा होता तो वो टाइम वेस्ट होने से बच जाता। और अगर मैं ये भी साथ में इंक्लूड करती थी कि मुझे स्कूल खाली वक्त मिलेगा तो मुझे क्या करना है, मैं स्कूल में घर पर तो जैसे सर मैं वीडियो देखती थी वगैरह यूट्यूब पे तो मैं स्कूल में उसका रिविजन करती थी। इस तरीके से सर टाइम मैनेजमेंट होता था। वेल डन हर्षिता। तो देखिए, हर्षिता ने किस तरह से टाइम को मैनेज किया है उन्होंने अपनी ही जुबानी बताया है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को जो आती है वो टाइम मैनेजमेंट में आती है। अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते भी हैं, हम भी जब उनको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ा रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, स्कूल जाना पड़ता है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हम टाइम को किस प्रकार से मैनेज करें जिससे कि हम हमारा जो ड्रीम 100 का सपना है उसको पूरा कर सकें। तो आपको हर्षिता ने बताया है कि किस प्रकार से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। स्कूल में भी जो समय आपको खाली मिलता है, जिस समय आपके पीरियड वैकेंट होते हैं, आप उसका भी बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। घर पे आने के बाद में आपके जितना समय आपके पास में है उसको डिवाइड कर लीजिए, कौन कौन से समय में आपको ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस लेनी है, बचा हुआ जो समय है उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है। इसके अलावा अगर आपके पास में कुछ हॉलीडेज़ आते हैं तो आप उनका भी बहुत बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। हर्षिता, आपने हॉलीडेज को यूज किया था या नहीं किया था?
बिल्कुल सर, संडे तो मतलब एक मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा मतलब उसमें होता था कि जैसे संडे की जो भी मेरे चैप्टर्स वगैरह बाकी रहते थे तो मैं उन्हें पूरा करती थी, साथ ही साथ कुछ लर्न करना होता, कुछ रिवाइज करना होता तो वो भी सब संडे के दिन ही होता था। और खास तौर से सैटरडे को मैं बहुत खुश होती थी क्योंकि संडे के दिन फिर जल्दी उठने का वो नहीं रहता था, तो संडे को रात को भी हम पढ़ सकते हैं वगैरह, इसलिए तो सैटरडे सैटरडे की रात को और संडे के दिन मतलब काफी अच्छे रहते थे हॉलीडेज के मतलब पढ़ाई करने के। चलिए, तो आपने मतलब समय का बहुत अच्छा सदुपयोग किया है ये कहा जा सकता है। और स्टूडेंट लाइफ में तो वैसे भी कहा जाता है कि आपके पास जो समय है ना, वो समय बहुत कीमती है। मैं तो अक्सर स्टूडेंट्स को एक बात भी कहता हूँ, अर्चिता और बाकी सभी जो स्टूडेंट्स इस समय ये वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए भी है कि जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें इतनी मेहनत कर लेनी चाहिए कि आने वाले समय को आप इतना बढ़िया बना सकें कि उसमें आपको फुर्सत का समय ही समय हो। फिर आप चाहें तो कहीं अब्रॉड टूर भी कर सकते हैं, इंडिया के इतने सारे अच्छे प्लेसेस हैं वहाँ घूमने जा सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए समय चाहिए होता है। और वो समय तभी मिलेगा जब आपके पास एक अच्छी जॉब होगी, जब आप अपने आप को सिक्योर बना पाएंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम हो जाता है आज मेहनत करना। क्यों हर्षिता, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, आज अगर आप मेहनत करेंगे तो आने वाला भविष्य आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। हर्षिता, आपने जो मेहनत की है उसमें आपके पेरेंट्स का रोल हो गया, आपके स्कूल के टीचर्स का रोल हो गया, आपने कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस की है जिसकी वजह से आपको दिक्कत आई और आपने उससे अपने आप को कैसे बाहर निकाला? सर जैसे मेरा प्रॉब्लम आई थी इस टाइम इस जो सत्र में वो थी कि हेल्थ इश्यू से थोड़ी रिलेटेड थी, जो काफी लंबा भी चला था, अगस्त से लेकर मेरे नवंबर तक थोड़ा चला था। उस बीच मुझे छुट्टियां भी लेनी पड़ती थी तो मेरे कई सारे कॉन्सेप्ट थे जो रह जाते थे। तो मतलब वैसे स्कूल टीचर्स हमें कभी मना नहीं करते थे, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया और बहुत सपोर्ट किया, लेकिन सर मैं चाहती थी कि क्यों ना क्यों एक बार अगर मैं यूट्यूब से ऑनलाइन अगर पढ़ सकती हूँ तो मुझे पढ़ना भी चाहिए, और ऑनलाइन तो इतनी सुविधा हो चुकी है। तो फिर जैसे कि सर स्कूल में तो कोर्स हो जाता है, लेकिन एक हम खुद भी जब साथ साथ में कोर्स करते हैं तो मेरा खुद के तरफ से जो कोर्स करना था वो थोड़ा रह गया था, और फिर एग्जाम्स भी नजदीक आ रहे थे तो मुझे थोड़ी बहुत टेंशन होने लगी। फिर सोचा कि टेंशन करने से कुछ नहीं होगा, समाधान पे फोकस करते हैं, तो फिर मैंने रैपिड रिविजन से अपनी जो था कोर्स पूरा किया। उसमें सर मैंने ये सोचा उसके पीछे कि जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ूंगी तो मुझे इतना टाइम नहीं होगा कि पूरे एक एक चैप्टर को मैं ढंग से समझ सकूं, तो मैंने ये सोचा कि जब मैं रैपिड रिविजन की क्लासेस लूंगी तो उसमें वैसे भी एग्जाम ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन हो गए वो भी मेरे सामने आ जाएंगे, और जो मतलब मेन सार होता है उसे मैं समझ लूंगी तो मेरे आधे से ज्यादा क्वेश्चन उसमें सही हो ही जाएंगे। तो इसलिए सर फिर मैंने रैपिड रिविजन क्लासेस से इतना ज्यादा मैं देख सकती थी दिन में उतना देखा, और फरवरी तक वैसे हमारी विदाई हो चुकी थी तो फिर उसमें और भी टाइम मिला, तो मैंने और भी उसका सदुपयोग करके यही किया कि ज्यादा से ज्यादा रैपिड रिविजन को पूरा कर सकूं और अपनी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कर सकूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह हो गए, खासतौर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो एक मतलब चाबी है एक तरीके से, सबसे ज्यादा हिस्ट्री में वो रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब। ओके, तो हर्षिता आपने जो प्रॉब्लम फेस की थी वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हेल्थ इशू की। और देखिए स्टूडेंट एग्जाम से पहले कई स्टूडेंट्स के सामने ऐसी समस्याएं आ सकती है कि हो सकता है उनको स्कूल से घर बैठकर पढ़ना पड़े, स्कूल ना जा सकें। आपने जिस तरह से फेस किया इस प्रॉब्लम को और साथ ही साथ आपने इसका समाधान भी बहुत जल्द ढूंढ लिया ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, तो उत्कर्ष की जो ऑनलाइन क्लासेस है वो आपने कब से अटेंड करना शुरू किया था और इन क्लासेस से आपको कितना बेनिफिट हुआ? सर सबसे पहले तो मैंने जो है जो सर आपने पहले जो क्लासेस डाली हुई है जैसे कि शीतल मैम की है, आपकी है, जो आपने कोरोना के बाद जो आपने करवाई थी रैपिड रिवीजन करके वो सारी भी मैंने देखी थी। उसके बाद सर मैंने जो आपके आपने सर वो ड्रोन सीरीज करके सर चलाई थी तो उससे भी मैंने पढ़ाई की थी यूट्यूब से। उसके बाद जब सर मुझसे नहीं हो पा रहा था क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा मेरे सिलेबस बाकी था तो फिर मैंने रैपिड रिवीजन से क्लासेस ली थी और वो अटेंड की थी। और इसके अलावा अगर मुझे कभी कुछ समझ में नहीं आता तो साथ में क्वेश्चन सीरीज भी होती थी, पीवाईक्यूज भी सर आपके द्वारा करवाए गए थे जो यूट्यूब पर भी थे और रैपिड रिवीजन की क्लासों में भी करवाए गए थे, तो वो मिक्स करके कंबाइन करके वो भी देखा था। साथ ही साथ स्ट्रेटजीज के हिसाब से तो सर जैसे सेप्टेम्बर में भी वगैरह आप सब यूट्यूब पर डालते थे कि कैसे हम सेप्टेम्बर से पढ़ के भी 95% स्कोर कर सकते हैं वगैरह वगैरह, तो सर वो सब है इसमें। और आपके जो मोटिवेशनल कोर्स वगैरह होते थे उनसे बहुत ज्यादा मतलब प्रेरणा मिलती थी। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इन्होंने अपने आप को इतना अच्छा प्रिपेयर किया है, इतने बढ़िया मार्क्स इनके आए हैं। और हर्षिता, ये जो 100 out of 100 हर एक स्टूडेंट का सपना होता है, आपने पॉलिटिकल साइंस में 100 out of 100 प्राप्त किए हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने 100 में से 100 अंक हासिल किए बोर्ड के एग्जाम में? सर
सबसे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने सच में 100 out of 100 स्कोर किए, क्योंकि शुरू से ही जब से मतलब जुलाई से ही मैंने सोच लिया था कि मुझे बिल्कुल एक सब्जेक्ट में तो 100 out of 100 स्कोर करने ही है। लेकिन जब एग्जाम चल रहे थे तब भी हेल्थ इश्यू रहा बीच में, तो फिर जैसे हमारा पहले हिस्ट्री का पेपर था तो उस वक्त मैं उतना नहीं दे पाई थी, तो फिर मैंने सोचा अब पॉलिटिकल साइंस मेरा लास्ट पेपर है और इसमें मुझे बेस्ट स्कोर करना है। और फिर बिल्कुल सर आपकी रेपिटेशन की क्लासेस से मैंने पढ़ा था, तो सर जैसे कि मैंने पहले ही देख लिया था कि पॉलिटिकल साइंस के आगे सिर्फ 2 दिन का गैप है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने फरवरी में पढ़ाई की थी, यानी रिवीजन किया था मैंने। बिल्कुल ऐसे तैयार किया कि मुझे सिर्फ 2 दिन के गैप में उतना कितना जितना मैं पढ़ सकती हूँ उतना ही मुझे रखना है, तो उसके हिसाब से मैंने 2 दिन में वो पूरी तैयारी की। और उसके साथ सर मैंने आपकी मैराथन क्लास भी देखी थी, तो उससे मुझे मतलब थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और जब मैं एग्जाम में लिख रही थी तो मतलब सबसे पहले मुझे जो आ रहा था मैंने वही खंड किया, उसके बाद तो सर धीरे धीरे चलता गया। और फिर मैंने सोचा कि नहीं अब एक भी अब गलत नहीं किया, तो आगे भी ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ी सी समस्या आई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा 10 मिनट अपने एग्जाम में रखे पीछे से यानी पेपर करने के बाद, तो 10 मिनट में मैंने उन ऑब्जेक्टिव्स पर सोचा कि कहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को कहाँ पर कैसे पढ़ा था, रिलेट किया अपने जो भी पढ़ा था थोड़ा ध्यान लगाया किया कि मतलब मैंने कहाँ पर पढ़ा था और कैसे इसका आंसर ये हो सकता है। मैं सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड अपनाया कि ये नहीं हो सकता, और पीछे 2 बजते थे अक्सर कि इसमें से है या इसमें से, तो फिर सर उसको रिलेट करती थी कि ये है तो क्यों है और अगर ये ऑप्शन होगा तो क्यों होगा, ऐसे करके सर पॉलिटिकल साइंस में 100 out of 100 इसको। वेल डन। देखिए आपने तो एक युद्ध में लड़ने की पूरी जो रणनीति होती है ना, स्ट्रेटेजी जिसको कहते हैं, उस स्ट्रेटेजी को सभी स्टूडेंट्स के सामने रख दिया है। अब ये तो स्टूडेंट्स जो आने वाले समय में हैं उन लोगों को फॉलो करना है इस स्ट्रेटेजी को। आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं इसी दौर से गुजरा हूँ, मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं और मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं तो एक अलग ही हमारे ऊपर प्रेशर होता है एग्ज़ाम का। उस समय कई बार बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो आ रहे होते हैं वो भी धीरे धीरे हम थोड़ा सा भूलना शुरू करते हैं, लेकिन उस समय बहुत अच्छा होता है कि आप एकाग्रचित्ता बनाए रखें अपनी, कुछ समय के लिए अपने दिमाग को एकदम शांत करें, तो वो आपने जो कुछ पढ़ा है ना वो सब कुछ वापस आना शुरू होता है आपके दिमाग के अंदर। और ऐसा ही हर्षिता ने किया, आपने जो क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से आ रहे थे वो सारे स्टार्टिंग में अटेंड कर लिए, उसके बाद जो क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूज़न था वहाँ पर आपने एक मेथड लगाया कि कौन से गलत हो सकते हैं, पहले उनको बाहर किया, फिर बचे हुए क्वेश्चंस में आपने, कई बार ऐसा होता है कि हमें एक रिस्क भी लेना होता है, और यहाँ तो रिस्क ऐसा था जहाँ पर आपकी मार्किंग भी कहीं ऐसा नहीं था नेगेटिव मार्किंग थी तो आपको कोई नुकसान भी होना था। और कहते हैं वैसे भी अक्सर जो स्टूडेंट प्रयास करता है उसको सफलता मिलती है, बिना प्रयास के तो सफलता भी कैसे मिलेगी, तो आपने प्रयास किया, 100 out of 100 आपने प्राप्त किए, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया है, क्योंकि 100 में से 100 इस बार पॉलिटिकल साइंस में बहुत कम स्टूडेंट्स के आए, क्योंकि पेपर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से स्टूडेंट डिस्टर्ब थे, और मैंने काफ़ी स्टूडेंट से पूछा बात की तो लगभग यही कह रहे थे सर 99 पे आकर के अटक गए, सर 98 पे आकर के अटक गए, बट आपने 99 और 98 को क्रॉस करते हुए 100 में से 100 प्राप्त किए हैं, तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन हर्षिता। हर्षिता लास्ट एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप फ्यूचर में क्या सोच रही हैं, क्या बनना चाहती हैं? सर फ्यूचर के लिए सर मुझे टीचिंग बहुत अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ, और पर सर ये है कि हाँ मैं कुछ बुनियादी बदलाव भी लाना चाहती हूँ, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे टीचिंग में ही जाना चाहिए और मैं टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ। अभी मैं BSTC फर्स्ट ईयर में हूँ और आगे भी रुकना नहीं है, पढ़ते रहना है। सर साथ ही हमारे स्कूल टीचर्स का उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, हर वक्त हमें मतलब मोटिवेट करते रहते हैं। अगर मैं कहने जाऊँ तो हमारे स्कूल में जैसे सर सेकंड ग्रेड टीचर होते हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर होते हैं, थर्ड ग्रेड टीचर होते हैं, एक भी ऐसे टीचर नहीं जिन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया हो, सब साथ में थे, सब मतलब हर एक किसी को अपने जो हिसाब से सही लगता था कि राय हमें देनी चाहिए, और कुछ अगर जैसे सर मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो वगैरह, हर कोई मतलब बिल्कुल सपोर्टिव थे, और ऐसा वातावरण था जैसे बिल्कुल घर का ही वातावरण हो, मतलब कोई समस्या भी नहीं थी। और सर साथ ही साथ जब उत्कर्ष के टीचर्स का भी आशीर्वाद और सपोर्ट किया, तो फिर सर ये संभव ही था पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 और इतने अच्छे परसेंटेज प्राप्त करना। बिल्कुल हर्षिता, देखिए मैं आपकी सफलता के पीछे पूरी तरह से आपके उन टीचर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा जो कि ऑफलाइन आपके साथ स्कूल में जुड़े हुए रहे, जहाँ जहाँ आपको समस्याएं आई वहाँ वहाँ उन समस्याओं का समाधान उन्होंने किया, बाकी जहाँ पर हम आपको हेल्प कर सकते थे हमने हेल्प की, लेकिन सबसे बड़ी जो मेहनत थी वो आपकी थी, क्योंकि पढ़ाते तो हम इतने सारे स्टूडेंट्स को हैं बट उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ही तो होते हैं जो कि 100 में से 100 या 100 में से 99 या 99 नंबर ला पाते हैं, तो इसमें आपने जो मेहनत की है वो बहुत काबिल-ए-तारीफ़ मेहनत है।
इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन के हकदार सबसे पहले तो आप बनती हैं, उसके बाद आपके पेरेंट्स, फिर आपके टीचर्स, सभी कॉन्ग्रेचुलेशन के हकदार हैं। और आपका जो सपना है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स यूपीएससी के माध्यम से प्रशासनिक सेवाओं का सपना देखते हैं, बट आपको पता है देश का निर्माण कौन करता है? एक टीचर। और चूंकि आपके घर में टीचर है और आप इस चीज़ को भली भांति जानती हैं, फिर आपने अपने टीचर्स को भी देखा है आपको सपोर्ट करते हुए, आपको ये भी पता है कि भाई टीचर जो है वो एक स्टूडेंट को पूरी तरह से बनाता है। आप लोगों को अगर पता हो, बड़े से बड़ा राजनेता उसको बनाने वाला भी एक टीचर है, साइंटिस्ट उसको बनाने वाला भी एक टीचर है, एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट उसको भी एक टीचर ही तो बनाता है। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े प्लेयर हैं, आज उनको इंडिया के अंदर क्रिकेट का गॉड कहा जाता है, बट आचरेकर साहब जिन्होंने कि उनको शिक्षा दी थी वो भी तो एक टीचर थे। तो टीचर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और वो सपना आपने देखा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस सपने को बिल्कुल साकार करें, आप भविष्य के अंदर एक बहुत अच्छी टीचर बने। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में रहेगी। थैंक यू इस वीडियो में जुड़ने के लिए।